सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो दोबारा से स्वागत है आप लोगों का जी टी ए 5 की न्यू एप वीडियो में, मतलब न्यू एपिसोड में। तो भाई पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो है वो एक कार बाय करी थी जो कि मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक थी। बाय तो नहीं करी थी, मतलब ली थी। और भाई एक जो है वो सेम टू सेम यही कार ली थी हम लोगों ने। तो आज जो है हम लोग नई नई जगह जाने वाले हैं, वहां पे गाड़ियां देखने वाले हैं। पहले तो भाई इस गाड़ी की ड्रिफ्ट चेक करो यार, इसको मॉडिफाई तो हम लोग करवाएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार जिसको बताया ये वाली कार भाई हम लोगों ने ली थी, उसके बाद भाई ये गलती हम लोग ठुक गए थे, ठीक है। उसके बाद वो कार जो है वो गलत ब्लास्ट हो गई थी। तो अभी इसकी जो है वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट चेक करो, मतलब क्या ड्रिफ्ट मार रहा है भाई टायर यार। शिट भाई, क्या गलत ड्रिफ्ट मार रही है। मैंने पहले भी काफी ज्यादा ड्रिफ्ट मारे इस जगह में, तो काफी ज्यादा चेक भी करी थी हम लोगों ने ये ड्रिफ्ट मार के। भाई क्या लग रही है यार, मतलब सच में पूरा का पूरा अलग सा फील आ रहा है भाई। पूरी भाई टायर वगैरह लग गई, ड्रिफ्ट मार रहे हैं, बस फट भी सकते हैं, मतलब जूम करके देखो यार। ऑल राइट गाइज, अपना टायर भी फट गया है। तो मैंने जो है ये ड्रिफ्ट भाई जान बुझ करके यहाँ पे मारी है, क्योंकि यहाँ पे भाई लॉस सैंटोस कस्टम है जिसके बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, मतलब वो टायर फट भी गया है ना। बट भाई हमें जो है वो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भाई बिल्कुल लॉस सैंटोस कस्टम के बाहर खड़े हुए हैं। उसके अंदर लेके जाते हैं और भाई इसको पूरा रिपेयर करवाते हैं, कार को मॉडिफाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि मॉडिफाई तो हम लोगों ने पहले करवा दिया यार। तो हाँ अभी देखते हैं अभी क्या करना है हम लोगों को, बस रिपेयर जैसे करनी है जो $175 में हो जाएगी, जो कि भाई हो गई है आराम से। तो हाँ फाइनली जो है अपनी गाड़ी बढ़िया रिपेयर होके भी आ चुकी है, क्या लग रही है यार। एक तो भाई मतलब अलग सही सी लगता है भाई इस कार का, मतलब बड़ी सही सी लगती है। तो हाँ अभी जो है हम लोग इधर से निकलने वाले हैं, और यहाँ पे भाई दो तीन जगह और है जो कि हम लोगों ने घूमना है, तो हाँ वहां पे जाएंगे। और भाई जिसको पता नहीं है लॉस सैंटोस में जो है वो कार के भाई न्यू एडिशन से आए हुए हैं, मतलब बड़ी ज्यादा अजीब अजीब सी अलग अलग सी कार्स आई है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए भाई यही कार दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ वो अपनी वीडियोस में भाई इंडियन कार को भी लाने वाला हूँ, लाइक भाई डिफेंडर को, फॉर्च्यूनर को, और दो तीन कार्स और है जिनको हम लोग लाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों की फेवरेट कौन सी कार है, उसको भी भाई हम लोग आराम से लेके आ जाएंगे। तो ओके अभी फिलहाल के लिए इधर से अंदर के लिए चलते हैं। और राइट भाई ये क्या बंद है क्या ये भाई, यहाँ पे जाने का रास्ता तो था यार, ये बंद कैसे हो गया भाई। भाई ऐसा तो नहीं है क्या ये सुबह खुलता है शाम को बंद रहता है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, अभी भी तो खुला ही है शायद से। ओके बंद है भाई, इधर से जाने का रास्ता दूसरी साइड से होगा शायद से, दूसरी साइड से जाके देखते हैं, क्या पता भाई कहीं से तो जुगाड़ मिल जाए हमें अंदर जाने का। यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है, ये तो थोड़ी भूल भुलैया टाइप में है। शिट ऐसा करते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं हम लोग भाई, थोड़ी देर के लिए पैदल ही जाके देखते हैं मतलब क्या लगता है। दरवाजे को बंद करते हैं। ओके भाई नीचे जाने का रास्ता है क्या यहाँ से। ऑल राइट मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई पहले तो रास्ता था यहाँ पे यार जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे हम लोग अंदर जा सकते थे आराम से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी तो फिलहाल के लिए भाई हम लोग पार्किंग तक में नहीं जा पा रहे हैं, क्या हो रहा है। ओके यहाँ से जंप मार के देखते हैं। ऑल राइट शायद से मेरे को लगता है भाई इन लोगों ने जो है वो पार्किंग बंद कर दिया है, क्योंकि जो भाई पार्किंग लगी हुई थी वहां पे वो इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि हम लोग तो भाई पूरा का पूरा घूम के आ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे भी जो है वो पार्किंग नहीं दिखी है जो कि हम लोगों को चाहिए थी। तो हाँ शायद से भाई इन लोगों ने जो है वो पार्किंग का पूरा सिस्टम बंद कर दिया, मेरे को लगता है तभी तो अपनी गाड़ी भी वहां पे नहीं जा पा रही है यार। इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालते हैं पहले तो। ओके शिट ओके एक तो बड़े भाई अजीब से रास्ते हैं यहाँ पे, मतलब रास्ता भी क्लियर सा दिखाई दे रहा है जिधर से मैं इसको आराम से बाहर निकाल सकूं। ओके शायद से मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे दो रास्ते हैं क्या, वेट चेक करते हैं। ये वाली जगह थी भाई जहां पे हम लोगों ने जाना था, यहाँ पे जैसे जाना था है ना। दोबारा से एक बार नीचे से जाके देखते हैं, क्या पता भाई नीचे से जा करके टर्न हो वहां के लिए, यहाँ से भाई गाड़ी नीचे जाने के लिए है क्या रास्ता। ओके ओके यहाँ से जैसे हम लोग अंदर गए थे आगे से गए थे भाई। शिट ऐसा करते हैं अपनी गाड़ी को नीचे ले जाते हैं,
वेट ओके नहीं भाई इन लोगों ने पार्किंग जो है वो सारी की सारी क्लोज कर दिया है, मतलब मेरे को लगा था अभी ओपन होगी बट नहीं भाई सारी की सारी पार्किंग इन लोगों ने क्लोज कर दिया है। हम लोग भाई यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर के लिए नई नई जगह में घूमते हैं यार, क्योंकि पार्किंग तो क्लोज हो गया है तो कोई फायदा भी नहीं है जाने का। तो हाँ यहाँ पे भाई अपने बिजनेसेस भी चले हैं, जिसको पता है उसको पता है बहुत ज्यादा सही सही से बिजनेसेस चले हुए हैं जो कि भाई हम लोगों को ठीक ठाक पैसा बना के दे रहे हैं। क्या हो रहा है, चढ़ नहीं पा रही है क्या ये? ओके चढ़ गई है चढ़ गई है चढ़ गई है, कोई चक्कर नहीं है। ऑलराइट फाइनली यार अपनी गाड़ी भाई यहां से निकालते हैं। भाई क्या जंप पड़ा है इसको खतरनाक ही, हमने जान बुझ के तो नहीं मारा था, थोड़ा सा पड़ा था इसको, उसके बाद भाई उड़ करके सीधा नीचे चला गया। शेट यार गलती होगी भाई, मैंने जान बुझ के इसको नहीं मारी है, थोड़े वाला आराम से भाई खुद भी लग गई इसको सच में। ओके यहां से टर्न लेते हैं, आगे से एक और टर्न है अंदर के लिए। ओके यहां से अंदर के लिए एक और टर्न है। ऑलराइट सॉरी राइट, हमें यहाँ पे रुकना था, देखते हैं कुछ काम है या नहीं है। दिस एरिया इज गेट अवे, क्या है भाई ये गाड़ी उठानी है हम लोगों को यहाँ से? भाई गाड़ी तो हम लोगों ने उठा दी है, अब इसको लेके जाना है क्या कहीं को? भाई इसको लेके नहीं जाना है कहीं को भी यार, शिट दोस्तों को। भाई पुलिस वाले कहाँ गलत पीछे पड़ गए, अपनी गाड़ी कहाँ पे चली गई यहाँ से? शिट भाई अपनी गाड़ी भी जो है वो गायब हो गई है, पता नहीं कौन लेके चला गया। तो अपनी भाई फटाफट से इस कार को लेके जाते हैं, एकदम से कहाँ गायब होगी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक मिनट में गायब होगी भाई अपनी गाड़ी यहाँ से, जो भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी। पुलिस वाले गलत पीछे आ गए। ओके इसको यहाँ से अंदर को टर्न ले जाते हैं, आगे से पुलिस की गाड़ी आ रही है। शिट शिट भाई इनको पता नहीं लगा मैं यहाँ पे था। ओके भाई पुलिस की गाड़ी को जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से घुमाते हैं। ओके शिट गलत जगह फंस गया यार मैं भाई, शिट यार ऐसा करते हैं कोई सी गाड़ी लेते हैं, अगर कोई इससे ज्यादा बढ़िया हम लोगों को दिखाई देती है तो फिर उसको चलाने का भी मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे भाई एक तो पुलिस वाले मतलब खज्जल कर रहे हैं, यहाँ से मैं अंदर के लिए टर्न हो जाता हूँ, मतलब भाग जाते हैं भाई यहाँ से। ओके सॉरी भाई कौन सी कार थी ये? ऑलराइट शिट भाई ये ट्रक से बच गया, ट्रक क्या लग रहा है यार अलग सा ही। ओके वैसे हम लोग यहाँ से भी अंदर के लिए टर्न ले सकते हैं क्योंकि पुलिस वाले काफी ज्यादा दूर है फिलहाल के लिए। एक तो भाई मैं गाड़ी बड़ी पीपा सी लेके आ गया, वाला चल नहीं रही है ठीक से, और ये अजीब सी चल रही है ना भाई, इसकी स्पीड है ना कुछ है। शिट क्या बेकार सी गाड़ी लेके आ गया हूँ मैं, पुलिस वाले तो वापिस चले गए बट भाई अपनी गाड़ी ठीक नहीं है। शिट थोड़ी देर इसको सुरंग में घुमा के ही देखते हैं क्या फील आती है, क्या चलता है भाई। गोलियां भी चलाते हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं है गोलियां चलाने का, भाई अलग सा मजा आ रहा है सुरंग के अंदर में, बहुत ज्यादा लंबी सुरंग लग रही है मेरे को। और गाड़ी भी यहाँ पे ठीक ठाक स्पीड में चल रही है। शिट ओके ओके भाई बाहर नहीं गिरना है, गाड़ी भाई अलग ही टूट गई है, इसके टायर वगैरह भी टूट तो नहीं गए भाई अभी फिलहाल के लिए, थोड़ा ऐसा जैसा इसका हाल हो रखा है बट ज्यादा भी खराब नहीं है, थोड़ी बहुत सी भाई खस्ता। ओ शिट भाई क्या बन गई है भाई गाड़ी अपनी, शिट ऐसा करते हैं इससे उतरते हैं। अरे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती है आ जा भाई आ जा चल तेरी गाड़ी ले जाता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, भाग कहाँ को रहा है वैसे? अच्छा जी भागेगा क्या भाई मेरे से? भाई मेरे को मार के भागेगा क्या? चल तेरी भाई, ये तो शायद से बच गया है और पीछे से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है वो गलत ठोक दे रही है मेरे को। ओके भाई कोई इसी गाड़ी तो मैं उठा लूँ यार, यहाँ पे कोई तो उठा सकता हूँ। आ जा भाई तू आ जा
ओके भाई पीछे से जो गाड़ी आ रही है ये कितनी ज्यादा सही है भाई, कहाँ भाग रहा है, इसको पता लग गया था मैं इसकी गाड़ी छोड़ने वाला हूँ, तो बंदा फटाफट से भाई भाग करके भी चला गया। हम लोग यहाँ पे बढ़िया सी कोई गाड़ी देखते हैं जो कि सुपर फास्ट कार हो, जिसको हम लोग ले जा सके भाई आराम से। ये भी है और राइट, ये वाली गाड़ी मिल गया अभी, ये भी भाई ठीक ठाक स्पीड की है। ओके चला दे भाई ऊपर ही आ जा तू, शिट एक तो भाई बीच रोड में गाड़ी चलाने का मतलब है कि पुलिस वाले गलत ही पीछे पड़ जाते हैं यार, मतलब अगर बीच रोड में गाड़ी को ले चले ना तो पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं, पुलिस गाड़ी को चुरा ले बीच रोड में तो यही होता है। शिट शिट शिट, यहाँ से ऐसा करते हैं अपना रास्ता टर्न कर लेते हैं अंदर के लिए। वही क्या बाइक लग रही थी यार सच में। ओके शायद से मैं दूसरे रास्ते में टर्न हो चुका हूँ। ओके यहाँ से ऊपर के लिए चलते हैं, देखते हैं ऊपर की साइड में क्या है। ओके ये तो भाई ये कौन सी जगह है, इस वाली जगह में तो भाई मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है ना ये, वेट चेक करते हैं जरा। यहाँ पे भाई एक और रास्ता गया पीछे से अंदर के लिए, उधर से जाके देखते हैं वो अंदर को कहाँ पे गया है, नहीं ये टर्न कहाँ को जाता है भाई। ओके शिट 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 भाई रे, पूरा पूरा समुद्र है भाई यहाँ पे तो। अच्छा ये टर्न कहीं को नहीं जाता है, बस यहाँ पे समुद्र है, मतलब यहाँ पे बारिश भी पड़ गई है। शिट भाई पुलिस वाले कहाँ पीछे पड़ गए अभी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ओके क्या लग रही है भाई कार यार, पुलिस वालों से तो मैं भाग चुका हूं, बट ये वाला एरिया पता नहीं कौन सा है, अंदर जाके देखते हैं बस पुलिस वाले भाई पीछे ना पड़ जाए हम लोगों के। ओके ऐसा करते हैं थोड़ा सा भाई, हम लोगों ने जो है वो चीट कोड भी यहाँ पे लगा दिया है तो भाई पुलिस वाले हम लोगों को गलत मारे ना पीछे पड़ के। ओके यहाँ पे भाई पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ से अंदर जाने की ट्राई करते हैं। खुल जा भाई, खुल रहा था क्या है? भाई यहाँ से तो अंदर जाने दे दो यार। ओके जा सकते हैं जा सकते हैं, मेरे को लगा था यहाँ से अंदर के लिए नहीं जा सकते भाई, क्या गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे, बारिश भी खतरनाक सी लगी है भाई, बाइक क्या डेंजर सी खड़ी हुई है। ओके पता नहीं भाई कोई सा मेरे को लगता है कुछ गवर्नमेंट ऑफिस टाइप में कुछ बना हुआ है, वैसा ही कुछ है यार भाई, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह कुछ है, ये वैसा ही एरिया है तो यहाँ पे अपना काम तो कुछ नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है, सुपर कार्स भी है। ओके शिट शिट भाई खुद भी खुल रहा था, मैं इसके ऊपर ऐसे ही चलाऊँ, यहाँ से जंप मारते हैं, यहाँ को निकलते हैं, चेक करते हैं भाई आज ये वाली जगह हम लोग कभी आए नहीं है, मैं पहली बार मैं इस जगह में आ रहा हूँ। ओके पर भाई कोई बंदा नहीं है यहाँ पे यार, जगह तो है पर कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, शिट भाई ऐसा करते हैं इस गाड़ी से उतरते हैं और दूसरी गाड़ियों को देखते हैं, मतलब वहां पे चल के देखते हैं उनमें से कोई गाड़ी उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है और दूसरी गाड़ी। ओके भाई यहाँ पे एक ट्रक सा है, इसको लेके चले गया भाई, ये थार नहीं चाहिए यार, ट्रक को लेके चलते हैं। ओके सो ऑलराइट हम लोग जो है वो ऑफ रोडिंग वाले ट्रक में आ चुके हैं, मतलब ऑफ रोड वाला ट्रक है, ठीक ठाक ऑफ रोड करता है वैसे तो। इसको यहाँ से निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाके देखते हैं भाई क्या हो रहा है, कहाँ टकरा रही है। इज द गेटअवे व्हीकल भाई क्या हो रहा है, फंस क्यों जा रहा है, भाई फंस क्यों जा रहा है ट्रक किसके साथ में,
ऐसा करते हैं इसको बैक करके ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो भाई ये गलत फंसे जा रहा है यार, वैसे तो इसको निकालना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। सो राइट, फाइनली जो है हम लोगों ने ट्रक को बैक तो कर दिया है, देखते हैं बैक करके निकल जाएगा। ओके निकल तो जाना चाहिए यार अब तो। बड़ा भाई इसके टायर वगैरह बड़े ड्रिफ्ट से मार रहे हैं इस वाली जगह में। ओके भाई ये इसके जो टायर है ना ये चल सकते हैं भाई ऑफ रोड में, या मतलब रोड साफ हो, क्योंकि जहाँ पे पानी पानी है भाई वहाँ पे इनके टायर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब खुद ही देख लो यार, ये खुद से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसा करते हैं बाइक को उठाते हैं, क्योंकि गाड़ी को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे मेरे को। ओके सॉल राइट, इसको लेके चलते हैं, क्योंकि भाई ये वाली जो बाइक है ना इसको चलाने का मतलब ठीक मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये स्किट भी नहीं कर रही है ज़्यादा और ना ही कुछ भाई। ओके थोड़ा इसके टायर का ड्रिफ्ट मार के देखें क्या भाई, क्या ड्रिफ्ट मार रही है यार ये, बस टायर ना फट जाए यार। इसको चुपचाप से चला ही लेते हैं, ज़्यादा ड्रिफ्ट मारेंगे तो टायर भाई अलग ब्लास्ट हो जाएगा इसका। ओके यहाँ से पहले अपनी बाइक को बाहर निकालते हैं भाई साहब। भाई पुलिस वाला क्यों भौंक रहा है बिना मतलब का, इसका क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने। तेरी भाई रुक जा, तेरी गेम बजाता हूँ। सॉल राइट, पुलिस वाला तो मार दिया है, अब भाई यहाँ पे पुलिस ने हमारे पीछे लगने वाली है, तो सीधा भाई हेड शॉट पड़ा है इसको। ओके भाई पुलिस के पीछे पड़ने से पहले हम लोग जो है अपनी बाइक को भगा करके ले जाएंगे यहाँ से भाई। एक तो एक गाड़ी मतलब बाइक जो है वो गलत ही ड्रिफ्ट सी मार दी है यार, मतलब सच में यार, मतलब कहीं को भी ले जाओ इसको, यहाँ पे ले चलते हैं, नहीं यहाँ को तो पुलिस भाई आएगी भी नहीं। ओके शिट, बस भाई नीचे नहीं गिरना है, नीचे तो भाई पानी पानी भरा हुआ है सारा का सारा। ओके थोड़ी सी और स्पीड भरते हैं। ओके बस 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 बस, शिट 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 भाई ये क्या चला हुआ है सामने भाई, इसके साथ रेस लगाते हैं क्या चीज़ है। ओके भाई मार देते हैं यार इसको, कहीं है हम लोगों का ना मार दे, कितना ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है यार। शिट भाई चल तेरी भाई, गया गया गया, मर गया गया, बच गया भाई, उतर करके देखते हैं। मर गया भाई, मर गया मर गया मर गया, मेरे को लगा जिंदा बच गया है। पुलिस वालों को यहाँ पे शक हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो जानवरों को मारा है, शायद से फॉरेस्ट वाले भी हमारे पीछे पड़ना पड़ जाए यार। इसको ऐसे करते हैं ऊपर के लिए ले जाते हैं। शिट ओके बस वेट 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 वेट, ऑल राइट थोड़ा सा और जंप करवाते हैं। ओके ओके बस 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 भाई ये क्या चीज़ है यहाँ पे, कितने बड़े बड़े से पता नहीं क्या है भाई ये। ओ भाई गया था अभी इसके साथ में गया था, बच गया, ये भी बच गया और मैं भी बच गया। वो नीचे तो भाई, भाई क्या हो रहा है तेरे को, चल तेरी भाई, सॉरी यार आई एम सॉरी बट मेरे को मारना पड़ा यार। ओके नीचे जाने का रास्ता है क्या कहीं से, ये नीचे भाई कुछ तो चीज़ है। ऐसा करते हैं इससे इधर से उतर करके जो है अपनी स्नाइपर से चेक करते हैं यहाँ पे क्या है ये। ओके भाई वहाँ पे बंदे वगैरह बैठने के लिए कुछ बना हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई। ओके पता नहीं क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे, शिप और यहाँ पे शिप है भाई, बोट वगैरह है, इसमें हम लोग बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, सामने वाले आइलैंड में जा सकते हैं हम लोग। ओके और हम शायद से सामने वाले आइलैंड में कभी गए भी नहीं है, जाने की ट्राई करते हैं। यहाँ से रास्ता है क्या नीचे जाने का, उतार देंगे भाई अपनी बाइक को, शिट उतार तो दिया है। ओके वैसे तो भाई राइडर हम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, जिसको पता नहीं है, हम लोग ने अपनी बाइक भी यहाँ से उतार दिया है, अब हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, बाइक को यहाँ पे ही खड़ी करते हैं। ऐसा करते हैं बोट के अंदर चलते हैं, जो सामने यहाँ पे बोट लगी हुई है इसके अंदर बैठ करके निकलते हैं भाई। ओके सॉल राइट, फाइनली जो है हम लोग बोट में आ चुके हैं, अब इसको राइड करके ले जाते हैं सामने वाले टापू पे। ओके और वैसे भाई हम लोग जो है अब नई कार्स लेने वाले हैं इसके अंदर में, जीटीए के अंदर में, ये सारी की सारी कार्स भाई बोरिंग से हो गई है मतलब। हाँ ओके भाई क्या गलत ड्रिफ्ट मारी है यार इसने, शिट अब मुझे लगता है मैं इस टापू में फंस गया हूँ।
बट भाई इसको बाहर ही खड़ा करना चाहिए था, मैं भाई इसको गलत यहाँ पे लेके आ गया हूँ, शिट भाई। वैसे करते हैं थोड़ी देर के लिए शिकार वगैरह करते हैं, ओके भाई इनको पता लग गया, शिट 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 शिट, चल मर जाएगा क्या, क्या लगता है भाई, बच गया है? ओके भाई गया, एक तो गया भाई, दूसरा बच गया है, ओके 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 भाई बच गया भाई, भाई क्या निशाना है यार, दूसरा भी गया यार, शिट क्या खतरनाक निशाना लगाया मैंने, वैसे तो मतलब दो ही निशाने पड़े और दोनों के दोनों मर गए। ओके भाई अपनी बाइक है क्या वहां पे, कोई ले तो नहीं गया, चेक करते हैं भाई, अपनी बाइक भी वहां से गायब हो गई है शायद से, शिट बाइक भी गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चले गया है। अब यहाँ पे बैठ के भाई थोड़ी देर के लिए शिकार ही करते हैं यार इनका, ओके भाई मर जाएगा क्या, क्या लगता है यार, शिट रुक जा भाई, यहाँ पे कुछ तो मरा है शायद से, तभी भाई इतनी सारी ईल्स जो है वो दौड़ रही है भाई, एक तो गया है, ओके थोड़ी देर के लिए जो है भाई मैं तैरने कहाँ पहुंच गया हूँ, तैरना नहीं है भाई, यहाँ पे भाई व्हेल्स वगैरह भी हो सकती है, मतलब व्हेल मछली वगैरह भी हो सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, सामने वाली जगह पे हो सकती है शायद से, उसको हम लोग मार भी सकते हैं, बट यहाँ पे तो भाई मुश्किल है। ओ भाई सामने है शार्क है क्या है, रुक जा चल तेरी भाई एक शॉट पड़ा है, मरी नहीं है, शिट 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 भाई सामने जा रही थी यार, अभी भी सामने है या चले गई भाई, भाई सामने व्हेल शार्क जा रही है शायद से, ओके यहाँ पे जो है वो एक दो शार्क का और वेट करते हैं और उसको जा करके मारते हैं, मतलब हाँ स्नाइपर से भाई उसका शिकार करते हैं, ओके यहाँ पे खड़े होते हैं भाई, सामने है भाई ये जो है, तीन तीन है, होगी एक भी नहीं है, तीन तीन है, बस थोड़ी सी ऊपर आ जाए ना तो भाई बढ़िया क्लियर दिख जाए, ऐसा करते हैं हम पानी के अंदर जाके देखते हैं थोड़ी देर के लिए, दिख रही है क्या कहीं पे, नहीं भाई दिख भी नहीं रही है, ऐसा करते हैं थोड़ी देर ऊपर जाते हैं फिर दोबारा से पानी में आकर के देखते हैं, क्या पता भाई यहाँ पे हो वो, ओके ऐसा करते हैं भाई अब शार्क को जाके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे कहीं पे हो, ओके थी तो थी भाई, अभी तो यहाँ पे थी भाई, कैसी कैसी आवाज आ रही है, कैसी आवाज है भाई, ये मछली को मारेगा, ओके भाई क्या अजीब सी आवाजें आ रही है भाई पानी के अंदर में पूरी भूत वाली, शिट यहाँ पे भाई मैं गन निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे गन नहीं चलेगी, भाई कैसी आवाजें आ रही है ये, शिट ऐसा करते हैं थोड़ी देर भाई ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, ऑलराइट भाई तो आवाजें बड़ी मतलब खतरनाक सी आ रही है यार, शिट आ रही है क्या आप लोगों की भाई, भाई बड़ी डेंजर सी आवाज आ रही है, ऐसा करते हैं इधर से ऊपर के लिए निकलते हैं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आवाजें आ रही है जिससे हम लोगों को भाई डर अलग लग रहा है भाई, सामने क्या व्हेल जा रही है क्या, कौन सी मछली है, शिट यहाँ से ओके निकलते हैं, ओके ये वाला रास्ता है, यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे और मछलियाँ तो भाई शायद ही मरेगी मेरे से, मुझे जो है वो स्नाइपर के साथ ही मारनी पड़ेगी सारी की सारी मछलियाँ, यहाँ पे खड़े होते हैं, ओके स्नाइपर निकालते हैं अपनी, इससे भाई जूम करके देखते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अभी शार्क थी यहाँ पे बट शार्क भी गायब हो गया है, शिट नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हिडन कार्स आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि GTA 5 के अंदर है, जितनी भी हिडन कार है सारी की सारी भाई वीडियो में दिखेगी आप लोगों को, और वह शार्क भी नहीं दिख रही है, सो होप सो आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो, मिलते आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों को जो है वो हिडन कार्स देखने को मिलेगी जो कि भाई बहुत ज्यादा हिडन होने वाली है, मतलब हाँ खतरनाक सी भाई, लाइक जैसे जो है वो सबमरीन भी होगी हिडन सी, उसके बाद हम पानी के अंदर आराम से जा सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए भाई यहाँ पे ऐसा करते हैं ब्लास्ट कर देते हैं।
एक दो ब्लास्ट कर देंगे तो यहाँ पे तो पुलिस भाई मुश्किल ही आएगी। पानी के अंदर देखते हैं ब्लास्ट कैसा होता है। ओके भाई पूरा पानी के अंदर जा करके ब्लास्ट हो रहा है। अरे बाहर ब्लास्ट नहीं हो रहा है, अंदर जाके भाई पूरा ब्लास्ट हो रहा है। बट यहाँ पे जो है वो पुलिस वगैरह भी नहीं आ सकती है, उनको तो पता भी नहीं लगेगा यार। ओके ओ भाई क्या ब्लास्ट हुआ है, जहां पे शार्क दिखेगी वहां पे करना था, बट शार्क है नहीं तो कहाँ पे करें यार। शिप पहले तो भाई 3-4 शार्क थी इस वाले एरिया में, अब एक भी शार्क नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक भी। चलो तो यहां से चेक करते हैं तो कहीं पे भी शार्क नहीं है, शार्क का वही नामो निशान तक नहीं दिख रहा है मेरे को। भाई शार्क को छोड़ते हैं यार, शिट।